Hey guys, welcome back to a new video. Well, Realme and Oppo हर मंथ आपको सिस्टम लॉन्चर के जो नए अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है एंड अप्रैल मंथ के अंदर भी आपको सिस्टम लॉन्चर के काफ़ी ज़्यादा नए अपडेट्स देखने को मिले थे, लेकिन उनके अंदर कोई भी नया फीचर जो था वो ऐड नहीं हुआ था। और फाइनली आज Realme ने मई मंथ का स्टेबल अपडेट जो है सिस्टम लॉन्चर का वो रोल आउट कर दिया है एंड इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स भी देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कैसे आप लोग इसको किसी भी Realme डिवाइस अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। वेल, इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों बात की जाए फीचर्स के बारे में, बट उससे पहले आप लोग अपडेट का वर्जन एंड जो चेंज लॉग है वो एक बार चेकआउट कर लें। वेल, अपडेट का वर्जन आपको 12.0.50 देखने को मिलेगा, साथ में आपको सीरियल नंबर ABCV554 देखने को मिलता है एंड चेंज लॉग की बात की जाए तो चेंज लॉग के अंदर आपको नए नए विजिट देखने को मिल जाएंगे, वॉलपेपर का लेआउट चेंज कर दिया गया है, स्मार्ट असिस्टेंट को ये सपोर्ट करता है, एनिमेशन को इम्प्रूव किया है, नोटिफिकेशन पैनल के UI के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड साथ में ColorOS 12.1 को भी ये वाला सिस्टम लॉन्चर जो है वो सपोर्ट करता है। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले फीचर के बारे में, तो इस अपडेट के अंदर Realme ने विजिट सेक्शन को इम्प्रूव कर दिया है। वेल, Realme UI 3.0 में पहले आपको विजिट का सेक्शन ऊपर देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट के बाद आपको विजिट का जो सेक्शन है वो नीचे लेआउट के अंदर ही देखने को मिल गया है और साथ में आपको Android 12.1 के जो नए विजिट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं और Android S को भी सपोर्ट करता है। ऐप वर्ल्ड के जो विजिट्स हैं वो अभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो Realme ने पहले से अच्छी कर दी है। साथ में आपको वॉलपेपर सेक्शन के अंदर छोटा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले आपको स्टैटिक वॉलपेपर ऊपर देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको लाइव वॉलपेपर ऊपर देखने को मिलेंगे और नीचे आपको जो स्टैटिक वॉलपेपर है वो देखने को मिलेंगे और जैसे आप लोग इनको स्लाइड करते हो आपके डिवाइस में जो वाइब्रेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये हल्के हल्के से आपको जो फीचर्स हैं नए देखने को मिलते हैं एंड साथ में आपको वॉलपेपर जूम एंड वॉलपेपर जूम आउट का जो नया फीचर है वो Realme ने इस अपडेट के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब दोस्तों बात की जाए सेकंड फीचर के बारे में, तो इस फीचर्स का काफी सारे यूजर को इंतजार था। इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर, स्पेशल फीचर के सेक्शन को ओपन करें एंड फाइनली क्विक रिटर्न सेक्शंस के अंदर आपको जो BGMI है वो भी सपोर्टेड देखने को मिलेगी। पहले आपको सिंपली सिर्फ क्लॉक ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो BGMI है वो भी आपकी सपोर्टेड करेगी क्विक रिटर्न फीचर्स के अंदर और इस फीचर्स का हर एक यूजर्स को इंतजार था कि कब क्विक रिटर्न सेक्शन के अंदर जो BGMI है वो सपोर्टेड देखने को मिले। तो सिंपली जाकर के अपने सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करो और इस फीचर्स को भी आप लोग सिंपल तरीके से और इजी तरीके से यूज कर सकते हो। दोस्तों बात की जाए थर्ड फीचर्स के बारे में, तो सिस्टम लॉन्चर का जो नया अपडेट है वो स्मार्ट असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है एंड साथ में जो स्टेप ट्रैकर है वो भी इसके अंदर आपको वर्किंग देखने को मिलेगा और क्विक फंक्शंस के अंदर आपको गूगल कन्वर्ट आपकी जो करेंसी है वो भी आप चेंज कर सकते हो एंड साथ में आप लोगों को जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये भी सपोर्ट करता है एंड साथ में नोटिफिकेशन पैनल के अंदर Realme ने UI में थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ब्राइटनेस बार का। पहले आप लोगों को ये स्क्वायर में देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको आगे से ये राउंडेड शेप में देखने को मिलेगा और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और हल्का सा UI का जो चेंजेस है, आपके जो नोटिफिकेशन टॉगल्स हैं, इनके जो आपको शेप्स देखने को मिलती हैं, इनको थोड़ा सा Realme ने इस अपडेट के अंदर मॉडिफाई किया है, लेकिन जो ब्राइटनेस बार है मुझे इस अपडेट के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और जो स्मार्ट असिस्टेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर आपको इस सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट के अंदर स्मार्ट असिस्टेंट देखने को ना मिले तो आप लोग इसको सिंपल तरीके से Realme UI 3.0 के अंदर भी मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, जाकर के वॉच कर लेना। इसी के साथ Realme ने इस सिस्टम लॉन्चर के नए अपग्रेड के अंदर जो एनिमेशन है
इनको भी इम्प्रूव किया है एंड साथ में ऐप ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग स्पीड है इसमें भी आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी पहले इसके मुकाबले। एंड साथ में जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग या ऐप स्विचिंग स्पीड है वो ये आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है और मल्टीटास्किंग भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और साथ में जो एंड्रॉयड 12 के जैसेस हैं वो पहले से आपको थोड़े स्मूथ देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट के बारे में, वेल कौन कौन से फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों बात की जाए सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट के मैनुअल लिंक के बारे में एंड रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की सिस्टम एप्लीकेशन के ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रियलमी सिस्टम एप्स अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा। इस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर डेली रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन के जो अपडेट्स हैं उनके मैनुअल लिंक देखने को मिलेंगे, ऑफिशियल जो APK है वो आपको देखने को मिलती है एंड साथ में जो सिस्टम लॉन्चर है उसके अपडेट का मैनुअल लिंक या जो एप्लीकेशन है अपडेटेड वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर आप लोग जाकर के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।